उपराष्ट्रपति के तौर पर हामिद अंसारी का आज आखिरी दिन है। कल सुबह वेंकैया नायडू देश के नए उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। हामिद अंसारी ने अपने विदाई के मौके पर मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मुसलमानों में असुरक्षा की बात कह दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ही अंदाज में अंसारी को जवाब दिया। आओ कि आज खत्म करें दास्तान इश्क, अब खत्म आशिकी के फसाने सुनाए हम। जय हिंद। कुछ यूं शायराना अंदाज में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने राज्यसभा से विदाई ली, लेकिन जाते जाते हामिद अंसारी कुछ ऐसा कह गए जिसने मोदी सरकार को असहज कर दिया। The words of the most distinguished of my predecessors, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, and I quote, "A democracy is distinguished by the protection it gives to minorities. A democracy is likely to degenerate into a tyranny if it does not allow the opposition groups to criticize freely and frankly the policies of the government." अगर इस भाषण में कुछ छूट गया था तो इससे पहले वो कमी उन्होंने अपने विदाई इंटरव्यू में कह दी। राज्यसभा टेलीविजन से अंसारी ने कहा, यह आकलन सही है कि देश के मुस्लिम समुदाय में आज घबराहट और असुरक्षा का भाव है। देश के अलग अलग हिस्सों से मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। भारत का समाज सदियों से बहुलतावादी रहा है, लेकिन सबके लिए स्वीकार्यता का यह माहौल अब खतरे में है। लोगों की भारतीयता पर सवाल खड़े करने की प्रवृत्ति भी बेहद चिंताजनक है। मुसलमानों में डर वाला उनका बयान सुबह से ही सामने आ गया था, और जब राज्यसभा में हामिद अंसारी की विदाई के मौके पर उनके योगदान की चर्चा हो रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इशारों ही इशारों में उन्हें जवाब भी दिया। मोदी ने कहा कि हो सकता है कि कार्यकाल के दौरान उनके अंदर कुछ छटपटाहट रही हो, लेकिन यह संकट आज के बाद नहीं होगा। 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान 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 के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटार रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा, मुक्ति का आनंद भी रहेगा, और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि हामिद अंसारी की जगह लेने वाले देश के नए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अंसारी के बयान पर जवाब दिया। व्हाट इज जेन्युइन सेक्युलरिज्म? दैट हैज टू बी डिफाइंड। Some people are talking about it because secularism is being practiced in a distorted manner, as some people are saying, out of as vote bank politics and all. So, as I said, irrespective of caste, creed, sex, religion, and region, India is one. We are all Indians. लेकिन बात सिर्फ राज्यसभा तक सीमित नहीं रही। इधर हामिद अंसारी की विदाई, उधर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने अंसारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अभी वो मुसलमानों की नेतागिरी करना चाहते हैं, और असली कहानी ये है कि जब तक कुर्सी पर मौजूद थे तब तक उनको असुरक्षा महसूस नहीं हुई। एक इतने बड़े शीर्ष पद पर बैठकर कोई व्यक्ति इस प्रकार का आकलन करे, बहुत अफसोस की बात है, दुख की बात है। मैं इससे सहमति प्रदान नहीं करता, और मुझे दुख है कि अंसारी साहब जैसा व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात करे। 10 साल से संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आज तक तो कभी ऐसी बात उन्होंने की नहीं। 3 साल से मोदी जी कार्यकाल में बैठे हुए हैं, और आज अचानक असुरक्षा की भावना आ जाना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जो सच है वही हामिद अंसारी ने कहा है। ये सही है, उनको जो उन्होंने एक हकीकत का इजहार किया है, जो माहौल में देखा जा रहा है उसका इजहार किया है। हामिद अंसारी की चिंता कितनी वाजिब है ये भी देख लीजिए। देश की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी है 14.2%। 17 करोड़ 22 लाख मुसलमान भारत में रहते हैं। पिछले 3 साल में सांप्रदायिक हिंसा की औसतन 700 घटनाएं हुई हैं। 2014 में 644, 2015 में 751 और 2016 में 703 घटनाएं हुई। मतलब मोदी सरकार में 2098 घटनाएं सांप्रदायिक हिंसा की हुई हैं। शायद इन्हीं घटनाओं को देखते हुए हामिद अंसारी को अल्पसंख्यक सुरक्षा की बात कहनी पड़ी। दिल्ली से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। ये है
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।